जब संजय सिंह का जो हम ये कहें कि सस्पेंशन हुआ, उसके बाद अनुराग ठाकुर साहब से, अमित शाह से या किसी बड़े नेता से कोई बातचीत हुई कि इस तरह से अब WFI को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, नई बॉडी बनाई जा सकती है? अनुराग ठाकुर जी बोल सकते हैं कि वो सस्पेंडेड है, उसको कोई भी मान्यता नहीं है भाई, क्योंकि अगर इसी प्रकार के आदमी रहेंगे तो देखो मैं तो कुछ भी कर नहीं सकती, मैंने संन्यास ले लिया। पर मेरी लड़ाई मतलब मैं भावुक भी होती हूँ कि जो हमें अन्न देते हैं, पूरा देश देश अन्नदाता है जो हमारे देश के, उनके साथ ये व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। खबरों में है कि पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये जो आप पर आरोप भी है, ये जो सवाल भी है, इस पर क्या कहेंगे? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं पहलवान साक्षी मलिक। साक्षी, चूंकि हम कुश्ती में पिछले काफी समय से उठापटक देख रहे हैं, इस समय आपका भी जैसे हम एक्स प्लेटफॉर्म पर देखते रहते, एक तरह का विरोध लगातार जारी है। अभी WFI के भीतर क्या चल रहा है, आपकी कुश्ती की प्रैक्टिस को लेकर या कुश्ती जगत की तमाम उठापटक को लेकर आपका क्या कहना है? जैसा कि आप देख ही रहे थे कि सरकार ने उसको तो सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसने UWW के साथ सेटिंग करके अपनी WFI को मान्यता दिलवा ली। और आप लगातार वो मतलब मतलब सरकार के अपोजिट भी काम कर रहा है, जैसे पैरेलल नेशनल कराया जिसको मान्यता नहीं थी, अभी ट्रायल्स भी रख दी उसने जो ओलंपिक क्वालिफायर्स की हैं तो उसको भी मान्यता नहीं है। तो लगातार जो है वो सरकार के अपोजिट ही काम कर रहा है, जबकि उसको मान्यता मिली भी नहीं है, अभी तक वो सस्पेंड ही है। तो बस यही विरोध है कि भाई वो रहेगा तो बच्चियों का वही दूर दल लगातार जो है वो शोषण होता ही रहेगा, जो मैं लगातार आवाज भी उठा रही हूँ, आप मेरा ट्विटर भी देखते होंगे। तो जी बस हम सब यही चाहते हैं कि उसको मान्यता ना मिल करके जो एड ऑफ कमेटी है वो को मान्यता मिले, वो ट्रायल्स कराए। नेशनल भी बहुत अच्छे तरीके से कराया गया था अभी जयपुर में, जो कि रेलवेज ने कराया था, और मैं चाहती हूँ कि ट्रायल्स भी वही कराएं कि जो बच्चियां हैं बच्चे हैं वो फेयर ट्रायल्स दें और किसी तरीके का डर या कोई भी उनको उस चीज का सामना ना करना पड़े। बस यही चाहते हैं कि संजय सिंह नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल उसका खास है, और अगर वही आता है तो ये मान लीजिए कि दोहरे शोषण के लिए रेडी रहूं। क्या आपकी जब संजय सिंह का जो हम ये कहें कि सस्पेंशन हुआ, उसके बाद अनुराग ठाकुर साहब से, अमित शाह से या किसी बड़े नेता से कोई बातचीत हुई कि इस तरह से अब WFI को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, नई बॉडी बनाई जा सकती है? नहीं, कोई बातचीत नहीं, हमने फिर लेटर भी लिखे, हमने UWW को भी लेटर लिखे हैं कि ये तो ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट से सस्पेंडेड है, तो आप इसको कैसे मान्यता दे सकते हो। लेकिन हाँ वो है कि सरकार भी अभी यही मतलब कोशिश, हम अपील भी कर सकते हैं या खुद भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो उसकी ट्रायल्स है उसको मान्यता नहीं मिलेगी, जो एड ऑफ कमेटी जो पैनल बनाया गया है वो ट्रायल्स कराएंगे और वही मान्य होंगी। तो बस लगातार अपील जारी है कि उसको कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये अपील हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों की अपील पर सिर्फ आश्वासन मिलता है और वो अपील हमें कुछ इस तरह का कोई कठोर कदम हमें दिखता नहीं है। एक ऐसा दिखता है कि आपने कुछ कहा और सरकार की ओर से मान लिया गया, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। देखो बहुत सारी चीजें हैं, बीच में सरकार ने पॉजिटिव कदम भी उठाए, सस्पेंड भी किया और एड ऑफ कमेटी बनाई अच्छी, और उसने नेशनल्स भी कराया, तो हाँ धीरे धीरे चल रही है प्रक्रिया। लेकिन वही बात है कि ठोस सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि संजय सिंह सस्पेंडेड है, उसके हाथ में कोई मान्यता नहीं है, और वैसे तो लेटर भी निकाला गया था कि उसके नेशनल और उसकी उसको कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। तो बस यही है कि अपील ही कर सकते हैं बार बार कि सरकार एक अच्छा कदम उठाए, आके बोले, अनुराग ठाकुर जी बोल सकते हैं कि वो सस्पेंडेड है, उसको कोई भी मान्यता नहीं है। तो बस यही जारी, हमने तो अभी आपने देखा होगा न्यूज में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी डाला है कि वो कैसे कर सकता है जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही नहीं है, 33% ना तो उसमें महिलाएं की कोई भागीदारी है, जो कि रूल भी है अभी अपना कि हर फेडरेशन में या उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, उसके तो पूरी फेडरेशन में कोई महिला दूर दूर तक भी नहीं है। तो बिल्कुल हमने केस डाला है, उसकी सुनवाई थर्सडे को है, देखते हैं क्या रहता है। जी साक्षी, मेरा सवाल ये भी है कि आपने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया,
वो बहुत दुखदाई रहा होगा आपके लिए, और इसके बाद फिर किस तरह से आपकी लाइफ चल रही है? देखो कठिन तो था ये, क्योंकि अगर इसी प्रकार के आदमी रहेंगे तो देखो मैं तो कुश्ती कर नहीं सकती हूँ, मैंने संन्यास ले लिया। पर मेरी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, मेरी हमारी बच्चियों के लिए, जो रेसलिंग का फ्यूचर है उनके लिए, कि मैंने तो संन्यास ले लिया, वो आगे आए। हमें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला है, लड़कियों को मैं चाहती हूँ वो सिल्वर जीते, गोल्ड जीते, और उनके साथ कोई ऐसा शोषण ना हो जो कितने सालों से बच्चियों के साथ चलता आ रहा है। तो बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ी हूँ, लड़ाई हमारी जारी है, और चाहूंगी कि मेरे बाद बहुत सारी और लड़कियां निकल के आके ओलंपिक में पदक जीतें। अभी किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है हम देख भी रहे हैं लगातार, और मैं ट्वीट भी कर रही हूँ कि सरकार ने जो पिछली बार वादे किए थे उनको पूरा किया जाए, जो भी उनकी मांगे उनको पूरा किया जाए। हम भी किसान फैमिली से आते हैं, मेरे दादाजी खुद किसान थे, सत्यवर जो मेरे हस्बैंड हैं पूरी फैमिली किसान है, किसान से मतलब हम किसान के बच्चे हैं, और हम नहीं देख सकते कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। और पिछली बार आपने अब कुछ दिनों पहले एक किसान की गोली लग के मौत भी हुई है, तो मतलब इतनी हद तक जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने वादे किए थे सिर्फ वो पूरा कर दीजिए, वो कुछ और ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। जो आपने बोला था उनको पूरा करना चाहिए। मैंने मतलब हमेशा से ही, मतलब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा ऐसे भावना, मतलब मैं भावुक भी होती हूँ कि जो हमें अन्न देते हैं, पूरा देश देश अन्नदाता है जो हमारे देश के, उनके साथ ये व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। साक्षी, जैसे आंदोलन की शुरुआत से लेके अब तक, एक सवाल जो लगातार हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लगातार हम सुनते भी हैं, अब उस सवाल से आप लोगों को भी कई बार दो चार होना पड़ा है, अब भी वो सवाल लगातार खबरों में है कि पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये जो आप पर आरोप भी है, ये जो सवाल भी है, इस पर क्या कहेंगे? देखो अभी तक तो बिल्कुल भी कोई विचार नहीं है मेरा कि मैं जो है कांग्रेस की तुझ से चुनाव लड़ूंगी। डेली डेली न्यूज में निकलती भी है, कभी मथुरा से निकाल देते हैं, कभी मुजफ्फरनगर से निकाल देते हैं, कभी महम से न्यूज में आ रही है, तो मेरे तक तो कुछ बात है ही नहीं। ये सिर्फ रूमर्स हैं जो अपने तरीके से निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का कोई विचार नहीं है। हाँ, आगे आने वाले 10 साल 15 साल का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई विचार नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि मेरी कुश्ती सुरक्षित हो, मेरी कुश्ती का फ्यूचर सुरक्षित हो और तरक्की करे। जैसा कि आप देखते ही होंगे, किसने ओलंपिक से लगातार, कुश्ती ही एक ऐसा खेल है जो लगातार पदकों में बनी रहती है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी कुश्ती को कोई भी नुकसान हो। अब हम ये भी माने कि ओलंपिक भी काफी नजदीक हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुश्ती को कितना नुकसान हुआ है, लगातार जो उठापटक जारी रही है, और अभी फिलहाल जो आपके पहलवान होंगे जो ओलंपिक के लिए जाने वाले होंगे या ओलंपिक के लिए मेडल लेने की सोच रहे होंगे, तो उनमें क्या बातचीत हो रही है, वो किस खौफ में है या वो किस किस प्रति क्या प्रतिक्रिया देखते हैं आप उनकी? देखो तैयारी तो सब करते ही है, हमने सब हम इतने ऊपर लेवल तक पहुंचे, हमने अपने सेंटरों पे तैयारी की, अपने खुद के अखाड़ों में तैयारी की, अपने कोचिज के अंडर तैयारी की है, तो तैयारी तो सब लोग कर ही रहे हैं। नुकसान ये हो रहा है कि वो संजय सिंह बीच बीच में अपने नेशनल्स रख रहा है, खुद अनाउंस कर रहा है, और बच्चों का इस साल का जो है अंडर 15 अंडर 20 का नेशनल्स होना बाकी है। मैं नहीं चाहती कि एक भी साल का बच्चों को जो है नुकसान हो, तो बिल्कुल उनकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है, बस वो तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई बाधा आगे आए, प्रॉपर तरीके से ट्रायल्स हो, ओलंपिक क्वालिफिकेशन की निष्पक्ष ट्रायल हो और सभी को फेयर मौका मिले, और बिल्कुल जो है बच्चे अपना आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें। जी साक्षी, आपकी एक शिष्या मुस्कान वर्ल्ड की 2 बार चैंपियन रह चुकी हैं, तो आप और दूसरी लड़कियों को भी कुश्ती सिखा रही हैं फिलहाल, तो हम ये भी माने कि बहुत सारी उम्मीदें जो आप पर थी वो आप अब दूसरी लड़कियों में देख रही हैं, तो इसे भी एक एक तरह से इस जर्नी को भी बड़ा मुश्किल माना जाए। बिल्कुल, मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन ये नहीं है कि मैं कुश्ती से दूर ही हो गई हूँ। बहुत सारी शिष्या जो है, छोटी छोटी बच्चियां हमारे अखाड़े में ट्रेनिंग करती हैं, हम मौका मिलता है जब भी घर जाते हैं उनको सिखाते हैं, जो हमने गलतियां की है या जो हमारे पास कमी महसूस हुई थी, चाहे वो फैसिलिटीज की लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की लगा लो, वो सारी चीज हम अपने खुद के मतलब अखाड़े में करने की कोशिश करते हैं कि उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो,
और उनको अच्छे अच्छे मतलब जितना हमने सीखा, जितना हमें अनुभव है वो हम सारा उनको दें। और बिल्कुल जो है मेरे अखाड़े से और भी ओलंपिक पदक निकलेंगे तो उससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया।